हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी एंड वेलकम टू पल्लवीज किचन। आज हम बनाएंगे एग करी और वो भी वेजिटेरियन स्टाइल में, और इसीलिए आज की हमारी डिश है एगलेस एग करी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एगलेस एग करी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 10 से 12 बेबी पोटैटोस, जिन्हें हमने पहले से पील कर लिया है। इसके बाद 5 से 6 छोटे साइज के प्याज, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च, और मसालों में हमें चाहिए 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच कसा हुआ नारियल, 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी, 2 छोटे चम्मच मूंगफली के दाने, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटे चम्मच मेथी के दाने, 2 छोटे चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच खसखस, 3 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 3 छोटे चम्मच बड़ी सौंफ और नमक स्वादानुसार। साथ ही में यहाँ हमने लिया है 2 बड़े चम्मच दही। आप चाहे तो इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए फ्रेश धनिया। अब सबसे पहले हम इन सभी चीज़ों को मिक्सर में ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो मिक्सर पॉट में जाएगा लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, मूंगफली के दाने, कलौंजी, लाल मिर्च, सौंफ, हल्दी पाउडर, मेथी दाना, जीरा, धनिया, अमचूर पाउडर, नमक, नारियल और खसखस। तो ये हमारा मसाला पेस्ट बनके तैयार है, और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इस मसाला पेस्ट को भूनेंगे, और इसके लिए हमने कढ़ाई में लिए हैं 2 बड़े चम्मच तेल। तेल थोड़ा गर्म हो जाने पर गैस की फ्लेम एकदम लो कर देंगे, और अब इसमें ऐड करेंगे हमारा मसाला पेस्ट। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अब इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला कढ़ाई ना छोड़ने लगे। गैस की फ्लेम अब मीडियम हाई रखेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाले का कलर अच्छा डार्क हो गया है, और मसाला आपस में चिपकने लगा है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला बनकर तैयार है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही या क्रीम डालने से मसाले का टेस्ट और भी अच्छा आता है, और इसमें चिकनाई आ जाती है। मसाले को 2 से 3 मिनट तक और हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम अब हम लो कर देंगे, और इस मसाले से थोड़ा मसाला अलग निकाल लेंगे ताकि अंडे का योग बना सकें, और बाकी के मसाले की हम ग्रेवी तैयार करेंगे। और इसके लिए हम इसमें धीरे धीरे करके करीबन 2 ग्लास पानी डालेंगे। आपको ग्रेवी जितनी गाढ़ी या पतली चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम फिर से गैस की फ्लेम को मीडियम हाई करेंगे, और इसे ढक्कन लगाकर एक उबाल आने तक पकाएंगे। जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, हम एक कढ़ाई में आलू को डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के लिए आलूओं को एक एक करके तेल में डालेंगे। गैस की फ्लेम हम हाई ही रखेंगे, और आलूओं को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। बीच बीच में इन्हें चलाते रहेंगे ताकि आलू दोनों तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमारे आलू अब अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब हम इन्हें निकाल लेंगे।
आलूओं के पूरा ठंडा हो जाने पर हम इन्हें अंडे का शेप देंगे, जिसके लिए हम आलूओं को बीच से कट करेंगे। और अब आधे कटे हुए पीस में चम्मच की मदद से एक छोटा सा योग का शेप तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा मसाला फिल करेंगे और ये बन गया हमारा अंडा। इसी तरीके से सभी आलूओं को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। हाँ, दूसरी तरफ हमारी ग्रेवी भी बनकर तैयार है, तो गैस ऑफ कर देते हैं और ग्रेवी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारी गर्मा गर्म ग्रेवी तैयार है, जिसमें हम ये आलू के अंडे डालेंगे। साथ ही में ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया। और ये हमारी बिन अंडे की अंडा करी बनकर बिल्कुल तैयार है। जो लोग अंडे नहीं खाते वो इस तरीके से अंडा करी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी ये रेसिपी बना के गर्मा गर्म फुलके या पराठों के साथ सर्व कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक ज़रूर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।